सबका नहीं होगा लेकिन कुछ एक मैं कहूंगी जो भी दिख रहा है इस स्कूल में 10 महीने में इतना प्यार इतना सम्मान इतनी जल्दी में मुझे मिला कि पीछे के 35 साल बिल्कुल फीके पड़ गए इसके आगे हालांकि वो समय भी भगवान की कृपा से परम पिता की कृपा से अच्छे ही मिले मुझे साथ लेकिन इसने बाजी मार दी सर हो तो मैडम का मैं क्या कहूँ कभी बड़ी बहन मानना हालांकि मेरे सीनियर मेरी प्रिंसिपल और इतना सम्मान देना मुझे याद है अभी जब ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगी थी तो मैं बीच में स्कूल आना पड़ा था मैं आई मैडम बड़ी बिजी थे कुछ काम कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने देखा गेट पे मुझे झट से कुर्सी से अपनी से उठी और भाग के गेट तक आई और इतने अच्छे से मुझे गले लगाया कि मैं कभी भूल नहीं पाऊ अरे मैडम आप कितने दिनों में दिखे हो जल्दी आ जाओ जल्दी आ इतना प्यार मैं कैसे भूल सकती हूँ कभी मैं किसी बात को मना नहीं करता कहा तो इन्होंने पूरा उसको वेटेज दिया स्टाफ के बारे में कभी कुछ हुआ कि मैडम ऐसे कर लो ठीक है मैडम आप कहते हो देख हमेशा ही इसी तरह स्टाफ के हरेक मेंबर अनिता मैडम चौहान सर का है ना और इतना सम्मान देना सच में मुझे पता चला मैं बुजुर्ग हो गई हूँ उनका बड़े प्यार से कहना मैडम आप हमारे बुजुर्ग हो हमारे आप सर मानते बड़ा प्रेम से हर बात में सहयोग करना कभी कुछ काम हुआ कोई आ गया तो सब हाँ ठीक हो जाएगा और अनीता मैडम का तो स्कूल में तो है ही हमारे जैसे घर की सब अपनी बातें पर्सनल बातें बहुत सहयोग बहुत सपोर्ट बहुत ही तपस्या कई बार मुझे मैं कोई बोलती मेरी बेटी और ये काफी कुछ मिलती जुलती जो कहना मुंह पे कहा दिल से बिल्कुल प्योर और संजीव सर रियल में मेरा छोटे भाई अरे मैडम हो जाएगा क्यों चिंता करते आप एक बार सब करो सब हो जाएगा इतनी लगन से इन्होंने इसकी रिटायरमेंट की भी तैयारी खूब करवाई मैं साथ गुजार भी हूँ और वैसे तो कर ही रहे हैं जिला दर्शन जी इन्होंने तो मुझे अपनी बड़ी बहन मान और कभी भी ये थोड़े गर्म होते हो तो मुझे कोई नहीं जी आप बड़ी बहन आप जो कहोगे मैं मानूंगा तो आप बस कह दिया ना आपने ठीक है और बड़ी बहन हो कुछ भी कह सकते हो मतलब इन्होंने तो मुझे इतने अधिकार दिए सच में मेरे छोटे भाई इतनी इज्जत मेरी यसु एक बार कहना है कि इतनी हाजिरी कोई आया है 5 मिनट में वो काम हो गई आ जाता यसु को कहो और भूल जाओ मैं तो भी होगा ये एक्सपीरियंस काम कहो तो भूल जाओ वो हो ही जाएगा उसके बाद पूछने की जरूरत नहीं है काफी इमोशनल भी टच रहा है वो मैं अब ज्यादा जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि मेरे लिए फिर पूरा बोलना मुश्किल हो जाएगा पर भी डबल धमाका जैसे ने कहा सच में एक एक किस किस का नाम लो बहुत ही सर हालांकि मुझसे काफी सभी छोटे मेरे से तो जब भी मिलना तो हाथ जरूर पूछना और मैडम ठीक हो स्वस्थ ठीक है बढ़िया दिल से जैसे ही मिले हाथ पूछना और ये परवीन ये तो मेरी बेटी पर मैं बेटी बोलती भी इसको जब बात करती हूँ तो ये है स्मृति है ये माँ जितनी मुझे यसु है अंजलि है इतनी ही इन्होंने मुझे इज्जत दी है जितनी कोई माँ को देता है तो मैं भूलूंगी नहीं और श्रुति तो श्रुति है मैं क्या बताऊं इसका तो मैं घर भी अक्षर कोई बहुत ही प्यारी बच्ची और इतना इज्जत देना इतना सब कुछ देना किरण मैडम है मुझे डर था कभी मुझे एक बाप ना कह दे लेकिन इन्होंने कभी कहा पूरी कौन सी इतना प्यार भरा है दिल में हाँ मैं कह रही हूँ महेश मैडम है महेश के साथ तो हमारी मैडम से ही शुरू हो जाती है बात शिकायत करे और मैं समझाती हूँ हमारा यही सर चलता रहता है बड़ी प्यारी है बस अपने मस्त रहती है मंजू मैडम दोनों ही
जब भी काम पड़ा बड़े प्यास से अभी आई, बीच में छुट्टी चले गए थे बहुत ज्यादा उस टाइम तो नहीं, लेकिन थोड़े दिनों में इनका बेटा तो पूरा बड़ा ही प्यारा है, इसी बात पे तो बताऊंगी बनवा हो जाएगा। योगिंदर सर, सुधीर सर और सुधीर भाई मेरा, तो सभी का इतना सम्मान एक बार कहना, मीनू मैडम और राजमंत्री मैडम से कल ही काफी परसों ही थी शायद काफी बात हुई, पता चला कि बहुत ही समझदार संघर्षशील लेडी, और नहा नहीं मैडम फिर दिलेंगे रहता कुछ नहीं दुनिया में, अगर हमारी इच्छाएं हैं तो होंगी सब पूरी, और सारी ये अनीता मैडम और उसके बारे में कंफ्यूज हो जाएगा इसका काम उसको कर कहा तो नहीं बड़ी मुश्किल, लेकिन अब मैं पहचान लूंगी दोनों की, दो बच्चे बहुत ही प्यारी बच्चियां हैं हमारे स्टाफ वेद प्रकाश सर, चाहे किसी को कुछ कहे लेकिन मैंने तो मैडम क्यों चिंता कर रहे हो, ज्यादा चिंता ना कर रहे हो, काफी सहयोग सभी का मेरे साथ रहा, पंकज सर है सुशील सर ने इतना महान कार्य किया है कि मैं सभी का बहुत बहुत कहां तक धन्यवाद करूं, धन्यवाद से बात करने वाली नहीं है, मैं आप सबको अपने दिल में रखूंगी हमेशा रखूंगी, और थोड़ा सा मैं अपना पिछला भी बताती हूं, 35 साल की सर्विस के दौरान ज्यादा टाइम मेरा बड़े स्कूलों में ही रहा है, इसके बाद है जीत के दो स्कूल गर्ल्स बॉयज में 21 साल तो मैंने वहीं कर दिए, एक में 9 एक में 12, और सभी दो टीवी से जैसे स्टार्ट वो मेरी बहन की ससुराल थी, फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी वहीं हुई थी, तो वहाँ वो छोटा स्कूल था कि टाइम अपग्रेड हुआ था, लेकिन हर स्कूल में लगभग कल मैं दिमाग में सोच रही थी 23-24 हेड्स के अंदर मैंने काम किया, क्योंकि शहर के स्कूल में हेड की ट्रांसफर उस टाइम जल्दी शुरू हो जाए, तो सभी का एक भी चेहरा मुझे याद नहीं आया जहाँ मुझे प्यार ना मिला हो, रिस्पेक्ट ना मिली हो, छोटी सी थी तब भी उतनी ही मिली और आज भी उतनी ही मिल रही है, ये परम पिता परमात्मा का मुझ पर आशीर्वाद ही कहूंगी मैं, कहा कि जहाँ रही प्यार मुझे उसने खूब दिलवाया, सम्मान खूब दिलवाया, ये उस प्रभु का बॉयज जैसे कल स्कूल में मैंने सब कुछ काम सीखे, उस टाइम मैं बिल्कुल यंग थी, हर काम मैडम ने सबसे जूनियर एज में भी और पद पर भी जूनियर की मैं मिस्ट्रेस थी, काम सौंपा करती, बड़ों से काम करवाना और भी मुश्किल होता है, अब तो यहाँ तो मैं सीनियर थी दोनों तरह एज के हिसाब से भी, और लेकिन वहां भी काफी अच्छा रहा, आज थोड़ा सा लास्ट वर्किंग डे है ना मेरा एक ग्रुप वहां का भी अच्छा वो नहीं गया, बॉयज स्कूल मेरी परीक्षा की घड़ी का टाइम था, उस वक्त मुझ पर वर्कलोड शायद स्कूल से कम और भगवान की परीक्षाएं चल पड़ी थी, तो उसमें स्टाफ ने वहां के प्रिंसिपल्स जितने भी रहे सबने बहुत अधिक सहयोग किया, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए, और इसके बाद थोड़ा सा मैं अपनी पर्सनल लाइफ व्यक्तिगत पारिवारिक लाइफ के बारे में, जैसा अभी बताया बेरी से बिलोंग करती हूँ मैं, यहाँ आई पता चला बेरी बेरी बेरी, एक बार कहा तो सारी बेरी कितनी हो गई आई भी करते करते एक भी चेहरा सरहोल ही नहीं पता था, जब एकदम से आया सरहोल पहले नहीं था, सरहोल था जोन दो में होना, सरहोल में इकोनॉमिक्स की पोस्ट आना और जुलाई में ट्रांसफर होना, ये तीनों ऐसे संयोग है इनमें से एक भी कट होता तो मैं यहाँ नहीं हूँ, आप सबके साथ मेरा कोई बहुत ही गहरा रिश्ता, क्योंकि एक जोन की मेरी सर्विस पूरी हो चुकी थी, तो जो जब स्टेशन भरा कोई फरीदाबाद का दिखा देते अंकित अंकित, लेकिन जैसे ही गुड़गांव में दो जोन में दिखे मैंने सिर्फ दो जोन देखा था और कुछ नहीं देखा था, तो मैंने यहाँ एक मेरी मित्र है उससे फोन पे बात की कि भाई एक सरहोल दिखा रहे हैं वो कैसा स्टेशन है, तो बोले बस आंख बंद करके सरहोल कर, ठीक है तो यहाँ हो गया, बेटा बोला मम्मी अब तो खुश हो बहुत अच्छा स्टेशन बता रहे हैं, चलो भाई भर दो देखिए, लेकिन यहाँ बहुत प्यार मिला, और हम तीन बहने हैं भाई भी था लेकिन वो भगवान ने नहीं छोड़ा, तो तीन बहनों में मेरा बीच का नंबर है, मेरी बड़ी सिस्टर आई हुई है, इसका और जीजा जी का भी संघर्ष के पीरियड में
अद्वितीय योगदान रहा, इन्होंने ही हमें संभाला था जब हम बिल्कुल अकेले रह गए थे। और उसके बाद परिवार मुझे हर जगह अच्छे मिले। छोटी बहन है वो अभी यहाँ नहीं आई है, और उसके बाद मेरी शादी, जिनके होते हैं सब कुछ, शायद उनको भी ऐसा परिवार, ऐसा पति ना मिले जैसा मुझे मेरे सिर पर इतना कोई छत्र छाया नहीं थी, तो भी मिला। I am very thankful to my in-laws. I have no words to say thanks for them. बहुत ही अच्छा नेक परिवार मिला मुझे। ये मेरा सौभाग्य था कि मेरी जेठानी जी आई हुई है, प्यार भाइयों में, जैसे मैं सबसे छोटी हूँ, बहुत अच्छा परिवार मुझे मिला। ये परिवार की अच्छेपन, स्पेशली मेरे बड़े जेठ हैं ईश्वर जी और उनकी फैमिली का, कि मैं मेरे पति के जाने के बाद भी 4 साल वहीं रही, चाहे अकेली थी लेकिन अकेली नहीं थी, बच्चे मेरे उस टाइम दोनों ही थे, बेटी द्वारका में पढ़ रही थी, बेटा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था एक राजेंद्रनगर, लेकिन फिर उनका प्रेम इतना था कि मैं उनको छोड़ नहीं सकती। तो बहुत ही अच्छा परिवार, और उससे भी आगे मेरे भगवान ने सुनी, जो आजकल सबकी समस्याएं होती है, एक बहुत ही सुंदर सात्विक परिवार से मेरा रिश्ता जुड़ा, मथुरा से मेरी समझनाई हुई है, और दीपाक्षी इज वेरी लवली स्वीट गर्ल, सच में मेरी बेटी, ये मेरा सौभाग्य है। आज के टाइम में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बहुत ही अच्छी नेक लड़की मुझे उन्होंने दी है पास दोस्त के। थैंक यू मंजू बहन, और सारी कायनात, जैसे कुछ मेरे पिछले कर्मों के संघर्ष थे, लेकिन भगवान ने पूरी कायनात को लगा दिया कि इसकी मदद करो, और सबसे पता नहीं कैसे करी बीत गया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस दौरान चाहे पीरियड छोटा था लेकिन सुंदर शानदार इतना था कि मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है, मुझसे फिर भी जाने अनजाने किसी को कुछ कहा गया हो, कहीं कुछ कमी रह गई हो, तो दिल से हाथ जोड़कर सबसे क्षमा चाहूंगी। और जब भी हम मिले, मिलते रहेंगे, मिलना कम नहीं होगा। और बेटे ने एक छोटी सी लंच रखा है, ए टू जेड सभी चलेंगे, इसीलिए मैंने स्कूल के पास रखा है, एक भी छूट गया तो कड़ी टूट गई। अब एक छोटी सी मेरे विचारों की कि लास्ट में लंबा हो गया है, तो बोलना चाहूंगी मेरे अपने ही विचार, सुबह 3 बजे उठ गई थी मैं, सोई थी उठी थी मैं, तो सब सोचे दूसरे कमरे में आके कुछ, कल की सुबह मित्रों कुछ अलग होगी, आज जैसी नहीं होगी, कल की सुबह दोस्तों कुछ अलग होगी, ना ट्रैफिक की चिंता होगी, ना स्कूल की जल्दी होगी, कल की सुबह दोस्तों कुछ अलग होगी, दिनचर्या मेरी कुछ सरल होगी, भाग दौड़ पहले से भी शायद कम होगी, कल की सुबह दोस्तों कुछ अलग होगी, घट जाएगी कुछ जिम्मेदारी मेरी, वेतन भोगी से पेंशन धारी होंगी, कल की सुबह दोस्तों कुछ अलग होगी, ना छुट्टी की फिक्र होगी, ना समय की किल्लत होगी, कल की सुबह दोस्तों कुछ अलग होगी, पहले काम की चिंता थी, अब काम में होने की चिंता होगी, कल इतने सालों की सेवा में अब ये सब कुछ सपनों की तरह होंगे, कल की सुबह दोस्तों कुछ अलग होगी, मेट्रो में बैठ अंजलि महेश को कहना, मैं उद्योग नगर तू कहां, ये मैसेज नहीं होंगे, और एमजी रोड पर बैठ अनीता की गाड़ी पर नजर टिकाना नहीं होगा, कल की सुबह दोस्तों कुछ अलग होगी, प्रिंसिपल मैडम का बुलाना और फोन पे ये कहना, राधा जी एक बार ऑफिस आना, शायद अब नहीं होगा, यशु मैडम का काम कैसे ही कहना, अभी आई मैडम, श्रुति परवीन सुधीर जोगिंदर ये सभी जो ग्रुप बायोमेट्री लैब का है, अब देखने को सपनों में होगा, कल की सुबह दोस्तों कुछ अजीब होगी, आज जैसी नहीं होगी, वरिष्ठ नागरों की सेवानिवृत्ति सही मायने में तो 1 महीने में होगी, और कल
वरिष्ठ नागरिकों की फौज में अब मेरी भर्ती होगी। कल की सुबह दोस्तों कुछ अलग, ना कुर्सी होगी ना इस्तीफा होगा, अब निज व्यवहार के दम पर सम्मान अपना होगा। कल की दोस्तों सुबह कुछ अलग होगी, यह कड़वा सत्य जीवन का स्वीकार करना होगा। रो रो के छोड़ो या हंस हंस के, च्वाइस इतनी है बस पर छोड़ना होगा। कल की सुबह दोस्तों कुछ अलग होगी, आप सब मेरे कल जीवन का अहम हिस्सा होंगे। भूल ना पाऊंगी ऐसा एक किस्सा होंगे, अच्छी हूँ या बुरी हूँ, खरी हूँ या खोटी हूँ, याद थोड़ी सी मेरी भी रखना जरा। अब तो खास मौकों पर ही आपसे मुलाकात होगी, कल की सुबह दोस्तों कुछ खास होगी। साथ रहते आपके कभी मीठा कभी नमकीन व्यवहार अपना हुआ, सब कुछ भूल आज माफ कर देना दोस्तों। कल की सुबह कुछ अलग होगी, यह अलविदा नहीं दोस्तों, यह तो एक शुरुआत है नए रिश्तों की। मन कल की सुबह दोस्तों कुछ अलग होगी। अब थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस का शायद जरूर बताऊंगी, और जो सरल लाइफ चलती रही सब कुछ होते हुए भी सरल चली, दो चीजें जो मैंने अपने जीवन में रखी हमेशा, एक तो कोशिश की तालमेल बिठाना सीख लिया। जो भी परिस्थिति ऊपर वाले ने दी या दुनिया से मिली, एक बार उसको देखा और उसी वक्त कोशिश शुरू कर दी, इस परिस्थिति में समायोजन करना ही है। जहां तालमेल करना सीख लिया, हमारी बहुत सी मुसीबतें बहुत सी समस्याएं उसी वक्त दूर हो जाती हैं। और एक स्टेट देखना, ना दाएं देखा ना बाएं देखा, जो अपना काम है काम से काम देखा, तो फिर अनेक झंझटें खत्म होती चली जाती हैं। और एक बार फिर कुछ गलत हुआ हो, आपका प्यार हमेशा मेरे दिल में रहेगा, आती जाती भी रहूंगी। और थैंक यू।